हेलो दोस्तों, तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 90 तक देख चुके हैं जो हमारा एंट्रेंस पेपर है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क्लास 9 सेशन 2022 का। तो इस वाले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 100 तक देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। और इस वाले सेशन के अंदर हमारे जो क्वेश्चन चलेंगे ओनली मैथमेटिक्स के चलेंगे, इसीलिए मैंने आपका जो है स्पेस छोड़ रखा है यहाँ पे, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डी रामानुजन नंबर, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर जो होगा हमारा हार्डी रामानुजन नंबर होगा। देखिए, ये जो हार्डी रामानुजन थे ये दो मैथमेटिशियंस थे। ठीक है, इन्हें नंबर के ऊपर बात करना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो अगर आप इनकी गूगल पे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा बेसिकली ये कौन थे। तो अब हम यहाँ पे नहीं आते हैं, बात करते हैं इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि किसी भी दो नंबर के क्यूब का सम जो होता है हमारा वो 1729 होता है। कितना होता है? 1729 होता है। ये हमारा छोटा क्यूब नंबर होता है, किसी भी दो नंबर के सम क्यूब के सम के इक्वल होता है। ठीक है, मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूं तो आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम मान लीजिए लैड कर लेते हैं कि हमने पहले लैड कर दिया 12 का क्यूब। 12 का क्यूब क्या होता है? 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, एंड अगर हम 1 का क्यूब करें तो कितना होगा? ऑफ कोर्स 1 होगा। अगर हम इन दोनों को सम कर दें, यानी कि 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1728 प्लस 1, तो ऑलरेडी हमारा ये आंसर आ गया 1729। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, जिसकी वजह से आपको और अच्छे से तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सेकंड ले लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं कि हमने 10 ले लिया। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। ठीक है, एंड दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, 9 का क्यूब ले लेते हैं, ये कितना होता है हमारा? 729। अब इनको आपस में आप सम कर दीजिए तो 1000 प्लस 729, तो ये कितना आ गया हमारा? 1729। तो आपने एक चीज नोटिस करी, इनका सम कितना आया, यानी कि किसी भी दो नंबर के क्यूब का सम 1729 आया। ये हमारा छोटा नंबर कहलाता है। और भी नंबर होते हैं जिनका क्यूब करेंगे तो और अलग जो है नंबर आएगा, बड़े नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92, द एक्सपेंशन ऑफ ए क्यूब इज, जो एक्सपेंशन होगा ए क्यूब का पूछ रहा है वो, इज क्या होगा। ठीक है, ए क्यूब का एक्सपेंशन हमारा क्या होगा? 3 इंटू ए, ए प्लस ए प्लस ए, 3 इंटू 3 इंटू 3, या फिर डी ए इंटू ए इंटू ए। इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे? मान लीजिए, पुट, देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि पुट, मैं पुट की जगह ए की जगह पुट कर देता हूं 2। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ए की जगह पर पुट कर दिया 2, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब क्या होता है? हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आंसर आ गया इसका? 2 2 4 2 8, हमारा इसका आंसर आ गया। तो हमने क्या किया बेसिकली, यहां पे देखिए पावर होती है हमारी, यहां पे जो 2 की पावर 3 कहते हैं, यानी कि इसकी पावर, तो यहाँ पे 1 की पावर 3, यानी कि a को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बने रहिएगा आप लोग इसी वीडियो में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। What could be the possible one digit of the square root of 625? 625। इसका हमें क्या निकालना है? One digit square root बताना है कितना होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 25, या ऑप्शन डी 50। तो इसके स्क्वायर रूट निकालना है तो बहुत इजी है, निकाल लेंगे। देखिए 625, ठीक है, किससे जाएगा ये? 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर दोबारा कहां से जाएगा? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 पंजे 5 एकम 5।
तो यहां से हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट? देखो स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होगा? एक पेयर इसमें से निकलेगा, एक इसमें से निकलेगा, ठीक है। 5 और 5 मैं आपको बता देता हूं, इज इक्वल्स टू 5 × 5 × 5 × 5। तो मान लीजिए हम दो का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो एक 5 तो इसमें से निकल के आ जाएगा 5, और एक 5 इसमें से निकल करके आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 25 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25, ऑप्शन सी। अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉर्मूला बेस इनटू हाइट? बस आपको फॉर्मूलाज भी याद करने हैं, क्योंकि फॉर्मूला से रिलेटेड भी आ जाता है। तो इस किसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप लोग बने रहिएगा इसी वीडियो में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 95 बेसिकली क्या है। ए मैन इज गिवन विद अ स्केल ऑफ 2 cm बराबर 1000 किलोमीटर, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इन किलोमीटर इफ द डिस्टेंस इन द मैप इज 2.5 cm। तो देखिए इसमें क्या चीज दे दी हमें कि जो 2 cm है वो किसके इक्वल है? 1000 किलोमीटर के इक्वल है। तो वो हमसे एक्चुअल डिस्टेंस पूछ रहा है उस दोनों प्लेसेस की किलोमीटर में कितनी होगी। अगर डिस्टेंस जो दे रखा है मैप में कितना दे रखा है? 2.5 cm। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1250 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2500 किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 2000 किलोमीटर। चलिए निकालते हैं इसको भी। तो आंसर सबसे पहले इसने क्या दे रखा है हमें? 2 cm बराबर 1000 किलोमीटर। अब हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट क्या करना है? द एक्चुअल डिस्टेंस जो है बिटवीन द टू प्लेसेस इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर हमने मान लिया, ठीक है, एक्स किलोमीटर हमने ले लिया। तो देखिए कैसे निकालेंगे अब इसका आंसर हम लोग। 1000 डिवाइडेड बाई एक्स, अगर 1000 डिवाइडेड बाई एक्स कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2/, देखिए यहां पे इसने बोला कि जो डिस्टेंस है इन द मैप इज 2.5, तो यहां से 2.5 रख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 2x बराबर, इससे जब मल्टीप्लाई होगा ये तो 2500 आ जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2500 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा ये? 1250 किलोमीटर। तो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो पंजे दस, जीरो। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 1250 किलोमीटर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 96, क्वेश्चन नंबर 96। आउट ऑफ 32 स्टूडेंट 8 आर एब्सेंट, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट आर प्रेजेंट? तो 32 स्टूडेंट में से 8 जो बच्चे हैं वो आए नहीं है, एब्सेंट है। तो हमसे वो रेशियो पूछ रहा है, मतलब परसेंट पूछ रहा है, सॉरी परसेंट कितना होगा प्रेजेंट स्टूडेंट की जो आए हुए हैं। तो इसका भी निकालते हैं आंसर। देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एब्सेंट स्टूडेंट के परसेंटेज कितना होगा। तो 8 आए हुए हैं, 32 है हमारे, इसका परसेंट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 25%। तो जो प्रेजेंट स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे हमारे? इसका आंसर जो हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ, हमें किसके निकालना है? प्रेजेंट स्टूडेंट्स। तो ये कितना आ जाएगा? 100 में से 25 को माइनस कर देंगे, 100 माइनस 25, तो कितना आ गया? 75%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा।
तो क्योंकि 100 होता है हमारा, परसेंट किसमें निकलता है, 100 में निकलता है, तो एबसेंट का निकाल लेंगे, ठीक है। एबसेंट का निकालने के बाद उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा परसेंट का निकल करके आ जाएगा। अब बने रहिएगा आप लोग इसी वीडियो में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 97 क्या है। रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसने कंडीशन दे दी कि एक्स जो है नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो 1 अपॉन एक्स। देखिए ये कंडीशन क्यों दी है इसने, ठीक है, ये कंडीशन क्यों दी है मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूं। इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू, इसने बोला कि रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, इसको एक्स कर देंगे, ठीक है, इसको एक्स कर देंगे, ये हमारा इसका रेसिप्रोकल हो गया। बट मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश क्या करना चाह रहा हूं, ये क्यों लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते 0, ठीक है, तो ये क्या हो जाता 1 अपॉन 0। अगर मान लीजिए कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते 0, तो 1 अपॉन 0 हमारा क्या हो जाता, इन्फिनिटी, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो उसका आंसर निकलता ही नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा, यानी कि जो रेसिप्रोकल है 1 अपॉन x का, हमारा x हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 सॉल्व करना है हमें से। 2 अपॉन 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। तो बेसिकली ये x की वैल्यू पूछ रहा है कि x कितना होगा, ठीक है। तो देखिए हम निकालते हैं इसका आंसर, कैसे निकालेंगे, देखिए 2 अपॉन 3 एक्स प्लस 1 बराबर 7 अपॉन 3। तो 2 अपॉन 3 एक्स बराबर 7 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1 कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 3 एकम 3 7 एकम, 3 एकम 3 और 7 एकम 7, 3 एकम 3 एक तिया 3, तो कितना आ गया 4 अपॉन 3, कितना आ गया 4 अपॉन 3, ठीक है। उसके देखिए 2 अपॉन 3 एक्स बराबर 4 अपॉन 3, तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी आ जाएगी 4 अपॉन 3 एज इट इज। जब ये 2 अपॉन 3 इक्वल टू के इधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाते हैं, देखिए 3 अपॉन 2, यानी कि 2 नीचे आ जाता है 3 ऊपर चला जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4, तो x की क्या वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। आप इसको चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे कर सकते हो मैं आपको चेक करके बताता हूं। देखिए 2 अपॉन 3 एक्स की जगह पर अगर आप 2 पुट करेंगे तो कितना हो गया ये 4 अपॉन 3, ठीक है। एक्स की जगह पर मैं आपको दिखा देता हूं, अगर हम पुट कर दें एक्स की वैल्यू जो है 2, तो 2 अपॉन 3 यहां पे एक्स की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी 2, ठीक है, प्लस 1 बराबर 7 अपॉन 3, तो 2 2 जा 4 अपॉन 3 प्लस 1 बराबर किसके हो जाता है 7 अपॉन 3। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा 3, 4 प्लस 3 कितना आ गया 7 अपॉन 3। ये हमारा इसका चेक हो गया कि ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये चेक करने का एक तरीका था, आपने चेक कर लिया, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। बने रहिएगा आप लोग इसी वीडियो में। अब देखते हैं हमारे दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हमारा ये एंट्रेंस पेपर जो है खत्म हो जाएगा, बने रहिएगा। So, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 99 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है पॉलीगॉन हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसके अंदर आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 100, द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के क्या होते हैं इक्वल। इजी क्वेश्चन थे दोनों, तो होपफुली आपको ये जो है सीरीज अच्छी लगी होगी, और हमारा यहाँ पे ये एंट्रेंस पेपर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इसको इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।